दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरी पिछले वीडियोस आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे, उससे आप लोग आशीष पा रहे होंगे। उसी कड़ी में आज का एक वचन का खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जिसको मैं पहले से कह देता हूँ अद्भुत है, आप शॉक्ड होगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके पहले जो 7 स्लाइड्स मैं पहले दिखाता हूँ, वो आपको मेरा फ़र्ज़ है दिखाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पहले से देखते आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग डायरेक्ट फॉरवर्ड करके टॉपिक पे आ जाइए, या विषय पे आ जाइए, या वचन के खुलासे पे आ जाइए, जिसको आज मैं रखने जा रहा हूँ। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए वो 7 स्लाइड्स क्या हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वो क्या क्या चीज़ है। नाउ, सबसे पहले दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डैनियल राज के चैनल को, और आइकन बेल प्रेस करना है, ताकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, आप तो शायद बिजी रहते होंगे, लेकिन ये लोग आपको मैसेज भेजेंगे, नोटिफिकेशन मैसेज, कि डैनियल राज की एक नई वीडियो आई है, आप लोग उसको देख लीजिए। ऐसे करके ये फ़ायदा होगा। और याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे दोस्तों, ये बिल्कुल मुफ्त में। और साथ ही साथ डैनियल आज भी YouTube से पैसे नहीं कमाता। बीच में मुझे किसी ने कहा कि कई सेवक लोग जो हैं YouTube चैनल से पैसे कमा रहे हैं, और मुझे पूछा आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रचार को बेचना नहीं है, ये मुफ्त मिला है, मैं मुफ्त में दूंगा। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं जो हूँ प्रचार करूँ और उसके पैसे कमाऊँ, बिल्कुल नहीं। ना दोस्तों, साथ ही साथ फेसबुक को भी पेज को लाइक कर लीजिए, डैनियल राज पेज को, और ये थंब को प्रेस करना है, और तब आप मेरे मित्र बन जाओगे या फेसबुक फ्रेंड बन जाओगे, और वहाँ से जब मैं लाइव आता हूँ आप उसको देख सकते हो। ना ये रहा दूसरा, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि हमने शुरू किया है गलत शिक्षाओं के प्रति। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इसके मेंबर बनना है। यदि आप चाहते हैं कि पूरे भारत में सही शिक्षा हो, लोग परमेश्वर को जाने, सही परमेश्वर को जाने, कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ें, तो ये उसका मकसद है। गलत शिक्षाएं पूरे भारत में जितनी तादाद में रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों को सदस्य बना रहे, मेंबर्स बना रहे। उनमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर बनना चाहें तो आप इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है। अगर ये फोन नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, फिर ये आपको कॉल बैक करें। ना ये लास्ट के 2 और स्लाइड देख लीजिए, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस जो लोग हैं, या जो वचन की पहचान नहीं रखते, जैसे इब्रानियों 5:13 कहता है, ऐसे लोग मेरे वीडियोस को ना देखें। वो इसलिए क्योंकि जब ये देखते हैं बातें नहीं समझते, उल्टा सीधा टाइप करते हैं, अविश्वासियों को ठोकर लगती है, क्योंकि वे भी मेरा वीडियोस देखते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और उनको जो है चोट लगती है। और साथ ही साथ ये पोस्टर देख लीजिए पहले, साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोज़ को ना देखें, जिनकी डॉक्ट्रिन अलग है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, बाइबल टीचर बन गए हैं, प्रचारक बन गए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में प्रचार नहीं करते, तो उनको भी साफ मना ही है कि मेरे वीडियोज़ को ना देखें, चुपचाप रहें। अच्छा, अगर देखना है उन दोनों को तो चुपचाप से देखें, ये देख लीजिए, चुपचाप से देखें, ठीक है ना। ना दोस्तों, आज के वचन का खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि आज का वचन अद्भुत है, आपको शॉक करेगा, और मैं आपको यकीन दिला दूँ कि ये वचन का ऐसा खुलासा, मैं समझता हूँ कि जब आप ऐसे सुन रहे होंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये चीज़ कहाँ थी। मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा और वचन को लेकर बात करूंगा, और मैं यकीन दिलाता हूं आप खुद भी दूसरों को शेयर करे बगैर चुप नहीं रहोगे। ये ऐसा अद्भुत खुलासा, आइए देखते हैं कौन सा वचन है। जी ये वाला, 1 कुरिन्थियों 2:9, इंग्लिश में बोल देता हूँ, 1 कुरिन्थियंस 2:9, आइए देखते हैं वचन क्या है। सो 1 कुरिन्थियों 2:9 कहता है, परंतु जैसा लिखा है, कहाँ लिखा है मैं आपको बताऊंगा। पौलुस कहता है कि, अच्छा इसका लेखक पौलुस है, ये भी बता दूं, और अन्य जातियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थ में था वो, और कुरिन्थी की कलीसिया को लिख रहा है। कहता है कि परंतु जैसा लिखा है, क्या लिखा है, कि जो आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, फिर कहता है वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। तो इसका मतलब है, यहां पे पौलुस कहता है कि जहां लिखा है, कहां लिखा है मैं अभी रखूंगा, परंतु जैसा लिखा है आंख ने नहीं देखा, क्या नहीं देखा यह इंपॉर्टेंट है, कान ने नहीं सुना, क्या नहीं सुना यह इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ा, क्या नहीं चढ़ा यह इंपॉर्टेंट है, फिर कहता है कि वही है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। तो 99.9% मैं 1% सिर्फ चूक रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, लेकिन 99.9% लोग गलती कर जाते हैं ये 3 लाइन को समझने में। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि 99.9%
चूक जाते हैं ये तीन लाइन को समझने के लिए। वो अक्सर ये प्रचार कर देते हैं कि ऐसा कुछ है आपके लिए, याद रखो विश्वासियों के लिए परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि ये वचन उनको क्या कहते हैं ना, कंफ्यूज कर सकता है या फिर उनको कहीं और ले जाता है। मैं इसका क्लियर करूंगा, इसका भी क्लियर करूंगा, जब मैं कहां लिखा है, किसने लिखा है वो बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। कहता है कि आंख ने नहीं देखा तो क्या नहीं देखा, और किसको नहीं देखा, कान ने नहीं सुना तो किसको नहीं सुना, मनुष्य के चित पे नहीं चला तो क्या नहीं चला। इसको गड़बड़ करते हैं, कहते हैं कि कुछ तो रखा है प्रभु ने आपके लिए। मोटिवेशनल प्रीचर्स, साथ ही साथ जो क्या कहते हैं ना, आपको बहुत उत्तेजित करने वाले प्रीचर्स, ऐसे प्रचारक लोग कह देते हैं कि कुछ तो रखा है। पहला कुरंतियों 2:9 कहता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तो रखा है जो प्रभु से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ तो वीजा आ जाएगा अमेरिका का, यूके का, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपका शादी, XYZ, ऐसा कुछ रखा है जो आंखों ने देखा, कानों ने नहीं सुना। ऐसे करके मोटिवेशनल प्रीचर्स, जिसको कहते हैं आपको उत्साहित करने वाले ब्लेसिंग प्रीचर जो होते हैं ना, वो इसका वो सहारा भी ले लेते हैं और कहते हैं कि कुछ तो रखा है। लेकिन आइए देखते हैं कि इसका सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिसके लिए खुलासा, मैं कहता हूं कि खुलासा एक्सप्लेन्ड, कौन सा वचन का एक्सप्लेन्ड है या एक्सप्लेनेशन है, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 2:9। आइए देखते हैं वो कहां लिखा है, जिसका पौलुस ने पैरेलल जो रिपीटेड है वो कहां से लिया, ये वाला यशायाह की किताब उसका 64:6। आइए देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़, किसको छोड़, ये देख लो किसको छोड़, परमेश्वर को लिखा है क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़, ऐसा लिखा कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई। फिर कहता है जो अपनी बाट जोने वालों के लिए कान काम करे। तो इसका मतलब है ये पौलुस यशाया के वचन को अपने कुरिन्थियों के कलीसिया को कोट कर या फिर यहां से उठाकर वो उनको सिखा रहा है कि प्राचीन काल से एक ऐसा परमेश्वर है, याद रखो परमेश्वर यहोवा एलोहिम जिसको कहते थियोस, ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसको कभी देखा नहीं गया, ऐसा परमेश्वर जिसको कान से कभी सुना नहीं गया, ऐसा परमेश्वर जिसकी तुम बाट जोते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसको तुम विश्वास करते हो, अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करेगा। तो इसका मतलब है कि आपने जब यहां पर सिखाए थे ना अभी तक, आंख ने नहीं देखा तो वो चीज नहीं है, वो परमेश्वर है। फिर कहता है कि जो कान ने नहीं सुना, चीज नहीं है, वो है परमेश्वर। सी दिस, फिर कहते हैं कि जो तुम्हारे चित पे नहीं चढ़ा तो वो चीजें नहीं है जो तुमको मिलेगी, यूके की, अमेरिका की वीजा, वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर को आंख से नहीं देखा, ऐसा परमेश्वर, परमेश्वर को कान से नहीं सुना, ऐसा परमेश्वर, परमेश्वर के लोगों के चित पे नहीं चढ़ा, ऐसा परमेश्वर। तो यहां परमेश्वर की बात हो रही है, ये देख लीजिए, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोते हैं, इसका मतलब है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो कहता है कि जो उसकी बाट जोते हैं, बाट जोने वालों के लिए वो काम करेगा। क्या काम करेगा, बहुत सारा काम है, सेवा का काम है, परमेश्वर कहता है वो काम करे वालों के लिए, वो काम करे। इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि जो तुम आज मिनिस्ट्री कर रहे हो मैं तुम्हारे को उसमें सहायता करूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या सिखाते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगी, ऐसा कुछ तैयार करके रखा है। फिर ये नीचे वाला लाइन लेते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर जिनसे प्यार करता है ना उनके लिए वो ऐसा तैयार करके रखा है। इसके ऊपर आकर वो बल देखिए बहुत स्पष्ट है, इस वचन के हिसाब से ये वचन क्लियर हो जाएगा, बहुत माफ करिए इधर आ गया, बहुत स्पष्ट है ये वाला वचन जो कि आपको ये वचन समझा देता है, ये वाला। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है ये वाला, फिर आपको समझ में आएगा ये वाला। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं फिर से बताऊं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है, एक एक वचन को समझना। परमेश्वर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ये जो कॉलर माइक है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूं, आप सभी तक आवाज अच्छे से पहुंचे, वो चाहे शूटिंग से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, कैमरा, लाइट, सब कुछ जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। सो मैं अभी एक दुकान में था और मैं उसको कह रहा था यार मुझे कॉलर माइक दे दो क्योंकि मैं शूट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। तो उसने कहा कि सर ये वाला ले जाइए। मैंने उसको कहा यार मेरे पास में ऑलरेडी है, तो वो काम नहीं कर रहा, एक माइक था जो काम नहीं कर रहा था। उसने कहा ये मैंने कहा उस काम नहीं कर रहा, आपको पता है वो ऐसी चीज़ें सुनाने लगा जिसकी जानकारी मुझे पहले से है। मैंने कहा यार तुम शांत रहो, मैं सब जानता हूँ।
तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बोलने कन्वे क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कहां से कर रहा हूं, ऐसी चीज परमेश्वर नहीं सुनेगा जो परमेश्वर सुनना नहीं चाहता, ऐसा कोई वचन का खुलासा परमेश्वर नहीं सुनना चाहता जो उसके लिस्ट में बैठती ही नहीं है, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में बैठती नहीं है। आप ऐसा कुछ भी मत सिखाइए, प्रीचरों में आपसे भी बोल रहा हूं, पास्टरों में आपसे भी बोल रहा हूं, प्रभु के दासों में आपसे भी बोल रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर प्रचार करते मैं आपको भी बोल रहा हूं, ऐसा वचन का कोई भी कॉन्टेक्स्ट के बाहर जो बातें होती है उसको मत सिखाइए, परमेश्वर को या तो गुस्सा आएगा या तो फिर वो आपका न्याय जबरदस्त कर देगा। बहुत बचना है आपको। इसलिए याकूब का किताब उसका 3:1-2 कहता है कि सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई ठहरेगा तो दारूबाज नहीं, चोरबाज नहीं, कतलबाज नहीं, सबसे ज्यादा हम प्रचारक जो गलत सिखा देते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं सही कॉन्टेक्स्ट में मैं कम से कम 30 से 40 से 50 से ज्यादा ट्रांसलेशंस को स्टडी करके फिर आपके पास आता हूं। मैं हमेशा कहता हूं जिसको 18 पता 17 मत सिखाओ, और जो पहले से हर एक चीज को स्टडी कर आपके बीच में आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो ये वचन का आप कुछ भी अलग तरीके से आपको नहीं सिखाना है, जो कि बहुत जरूरी है। नाउ दोस्तों, अगले वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन इसको याद रखिए, जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आपको ऐसे खरे वचन, कॉन्टेक्स्ट वाले वचन आपको मिलते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।